हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। हम देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्या जानकारी मिलती है हमें, और फाइनली एक एग्जांपल से ये भी देखेंगे कि ये दिखता कैसे है और इसे समझा कैसे जाता है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि ये बताता है कि एक गिवन पीरियड में किसी कंपनी या बिजनेस में टोटल कैश कितना आया और कितना बाहर गया। सो एक कंपनी के अंदर कितना कैश साल भर में आया और कितना कैश साल भर में बाहर गया। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को जनरली किसी भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए एग्जामिन कर सकते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वार्टरली भी बनते हैं, एनुअली भी बनते हैं। सो जनरली एनुअल कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखा जाता है। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स एग्रीगेट डेटा रिगार्डिंग ऑल कैश इनफ्लोज अ कंपनी रिसीव फ्रॉम इट्स ऑनगोइंग ऑपरेशंस एंड एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट सोर्सेज। सो एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये जो हमें एग्रीगेट डेटा प्रोवाइड करता है कितने कैश इनफ्लोज हुए कंपनी के अंदर उसके बारे में, और वो कैश फ्लोज किससे आते हैं, ऑपरेशंस मतलब जो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं उसके थ्रू, और या फिर एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट सोर्सेज, अगर कोई कंपनी लोन ले रही है या कुछ एसेट्स बेचे हैं कंपनी ने तो उसका जो पैसा आया, ये सारे कैश इनफ्लोज कहलाते हैं। और इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी बताता है कि कितना कैश आउटफ्लो हुआ है कंपनी के अंदर से। तो कंपनी रॉ मटेरियल परचेस करती है, एम्प्लॉयज की सैलरीज वेजेस पे करती है, इन सब बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो भी खर्चा होता है, या अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसके लिए वो क्या कैश पे कर रही है, वो सारी चीजें कैश आउटफ्लो में आती हैं। तो अगर एक कंपनी की बात करें तो मेन सोर्स कैश आने का होता है सेल्स रेवेन्यू। कंपनी जो भी अपने सामान की बिक्री करती है उससे जो रेवेन्यू कमाती है, मतलब सेल्स के थ्रू जो पैसा आ रहा है, वो उसका मेन सोर्स होता है कैश अंदर आने का। इसे हम अकाउंटिंग की भाषा में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब हो गया कि कंपनी का जो मेन काम है, जो मेन बिजनेस है जिससे कंपनी अपना पैसा कमाती है, उनको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहते हैं। सो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे कैडबरी कंपनी में कैश इनफ्लो के बारे में बात करें, तो कैडबरी कंपनी का मेन कैश इनफ्लो आएगा चॉकलेट बेचकर, तो वही कैडबरी का सेल्स रेवेन्यू भी होगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सेक्शन में रखेंगे। तो ये तो हो गया कैश का अंदर आना। अब कैश किसी कंपनी के बाहर कैसे जाता है ये भी देख लेते हैं। जो आउटफ्लोज होते हैं कैश के, उसमें मेनली कंपनी जो भी एक्सपेंसेस पे करती है, जैसे सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, अगर कोई जगह लीज पे रेंट पे ली हुई है तो उसका पेमेंट हो गया, टैक्सेस का पेमेंट हो गए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कंपनी पे कर रही है, वो सारे कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के सेक्शन में आते हैं। तो एक तरफ कंपनी रेवेन्यूज कमा रही है, दूसरी तरफ इन रेवेन्यू को कमाने के लिए कंपनी जो खर्चे कर रही है, ये सारी चीजें आ गई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर। सो अगर इसका छोटा सा एक फॉर्मूला देख लें कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया और कितना पैसा खर्चा किया, सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कितना कैश इनफ्लो आया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू और कितना कैश फ्लो बाहर गया है, तो कैश आउटफ्लो कितना हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के थ्रू, उसको कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से माइनस कर देंगे तो हमें नेट कैश फ्लो मिल जाएगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसी तरह ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अलावा भी कुछ तरीके होते हैं जिससे कंपनी के अंदर कैश आ सकता है और कंपनी से बाहर कैश जा सकता है, तो अब उसको देख लेते हैं। तो हम कैडबरी का ही एग्जांपल ले रहे हैं। सो अगर कैडबरी कंपनी ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, मान लीजिए उन्होंने कुछ बॉन्ड्स खरीद रखे हैं या डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और वो इन्वेस्टमेंट्स मच्योर हो गए हैं, तो मच्योरिटी के समय जो पैसा कंपनी को मिलेगा उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो डाल नहीं सकते क्योंकि वो रेगुलर ऑपरेशन से आ नहीं रहा है, ये तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो इसको एक अलग हेड में डालते हैं और इसको कहा जाता है कैश इनफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो कुछ भी पुराना एसेट अगर बेचा है कंपनी ने, उसके थ्रू जो पैसा आ रहा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर ही रिकॉर्ड होगा। अब इसी तरह कुछ कैश आउटफ्लो भी होते हैं जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के हेड के अंदर आते हैं। मान लीजिए कंपनी कुछ बॉन्ड्स, नए बॉन्ड्स खरीदती है, नए बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करती है या नए डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करती है, या कंपनी कुछ नया एसेट्स परचेस कर रही है, तो इसके लिए कंपनी को कैश पेमेंट करना पड़ता है। सो मशीन परचेस कर ली, एसेट्स परचेस कर लिए, या कोई इन्वेस्टमेंट्स कर दिए बॉन्ड्स, डिवेंचर, शेयर्स में, ये सारी चीजें कैश आउटफ्लो कहलाती हैं फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो पहला हमने देखा था कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ये हो गया कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगेन इसका फॉर्मूला अगर हमें देखना है कि नेट कैश कितना आया या गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कारण, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जो जितना इनफ्लो आया है कैश का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू असेट्स बेच के या इन्वेस्टमेंट्स बेच के, माइनस कैश आउटफ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी बॉन्ड्स डिबेंचर शेयर्स में नया कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो या कुछ नया असेट्स परचेज किया हो वो उसमें से माइनस कर देंगे कैश इनफ्लोज में से, तो हमें मिल जाएगा नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब फाइनली तीसरे टाइप का एक कैश फ्लो और होता है जिसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो जब कंपनी कुछ लोन्स लेती है, बैंक से लोन ले सकती है या वो कंपनी मार्केट से पैसा जुटा सकती है बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू करके या शेयर्स इशू करके, तो इस केस में जो भी पैसा कंपनी के अंदर आ रहा है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में तो डाल नहीं सकते, वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी नहीं डाल सकते, वो हम डालेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। मतलब कंपनी को जो पैसे की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए अगर वो नया पैसा उठा रही है मार्केट से, वो सारी चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंडर आती हैं। सो बैंक से कुछ लोन लिया हो अगर कंपनी ने, या बॉन्ड या शेयर्स इशू करके या डिबेंचर्स इशू करके कुछ पैसा रेज किया हो कंपनी ने, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर हेड के अंदर आती हैं। इसी तरह से फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जब कंपनी अपने पुराने लोन्स का अगर कुछ रीपेमेंट कर रही है, या उसने जो पहले बॉन्ड्स इशू किए हों वो मच्योर हो गए हों तो उसका उसको रीपेमेंट करना पड़ता है अपने इन्वेस्टर्स को, डिबेंचर्स इशू किए हों तो उसका इन्वेस्टमेंट पे रीपेमेंट करना होता है, या कई बार कंपनी शेयर बायबैक्स भी करती हैं, और ये आएंगी अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हेड में। सो हमने जैसा ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखा कि अगर नेट कैश फ्लो निकालना हो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए, तो अगेन आपको सेम फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सो कैश इनफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज माइनस कैश आउटफ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो कैश अंदर आया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कंपनी के अंदर आया और कैश जो बाहर गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के कारण, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो नेट कैश फ्लो होगा फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये हो गए तीन जरिए जिससे कैश कंपनी में अंदर आता है या कंपनी से बाहर जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या जरूरत है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश अकाउंट भी है, कंपनी P&L अकाउंट बनाती है, कैश अकाउंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट अलग से क्यों चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो ये है, आपने सुना होगा कि एक कंपनी प्रॉफिटेबली काम तो कर रही है, यानी कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है ऐसा P&L में दिख रहा है, बट कंपनी के पास कैश पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं दिखता है। ये ऑड साउंड करता है बट ऐसा होता है कई बार, P&L अकाउंट में आपको दिख रहा है कि अच्छा प्रॉफिट कमा रही है कंपनी, बट कैश देखने जाते हैं तो उनके पास कैश की अवेलेबिलिटी होती नहीं है। तो ऐसा जनरली तब होता है जब कंपनी अपना सामान क्रेडिट पर यानी उधार पर बेचती है और साल के एंड तक उस सेल पर कंपनी को कोई भी पैसा नहीं मिल पाता है। तो जो कंपनी P&L अकाउंट में सेल्स दिखाती है उसमें वो उस अमाउंट को इंक्लूड कर लेती है, क्योंकि अकाउंटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है अक्रूअल अकाउंटिंग का, जिसके कारण जैसे ही कंपनी अपना माल बेचती है तो उसे अपने रिकॉर्ड्स में सेल्स दिखानी पड़ती है, भले ही उस सेल्स का पैसा ना भी मिला हो। ये अक्रूअल अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, विच रिक्वायर्स कंपनी टू रिकॉर्ड रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस व्हेन ट्रांजैक्शन अकर्स नॉट व्हेन कैश इज एक्सचेंज। जैसे ही ट्रांजैक्शन हो गया, जैसे ही सेल हो गई, कंपनी को वो सेल अपने रिकॉर्ड्स में दिखानी पड़ती है, बट अगर इस सेल का पैसा नहीं भी आया हो तो भी वो प्रॉफिट में उसका हिस्सा दिखेगा, बट असली में वो पैसा कंपनी के पास अभी तक आया नहीं है। तो जैसे ही कंपनी अपना माल बेच देती है तो उसे अपने रिकॉर्ड में सेल्स दिखानी पड़ती है, भले ही उस सेल्स का पैसा ना मिला हो। इसलिए प्रॉफिट होने के बावजूद भी कैश जो कंपनी के पास होता है वो सफिशियंट रूप से दिखता नहीं है। इसलिए जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं तो हमें कंपनी की असली लिक्विडिटी पोजीशन का पता चलता है। लिक्विडिटी पोजीशन मतलब असली में कैश कितना है कंपनी के पास, हमें ये पता चल पाता है। इसलिए ये चीज काफी जरूरी है, इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को सभी लोग देखना चाहते हैं कंपनी के। P&L अकाउंट में कुछ भी दिख सकता है बट बिना कैश फ्लो देखे आपको पूरी पिक्चर नहीं पता चलती है। सो
Why understanding the cash flow statement is important? It is important to find out the correct amount of cash available with the company. और cash flow statement ही होता है वो statement जो कि आपको actual liquidity position company की बता पाता है. और ये हमको ये भी बता देता है cash flow statement की actual profits कहाँ से आ रहे हैं और वो जो operating profits आ रहे हैं company के वो healthy हैं या नहीं है. तो cash flow statement को देखने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि जब company के पास अगर sufficient cash नहीं होगा तो उसे उधार लेकर अपने खर्चे पूरे करने पड़ेंगे और उधार लेके बिजनेस करना लॉन्ग रन में बहुत अच्छी बात नहीं होती है. सो पहला कारण तो यही हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट की इम्पोर्टेंस का कि इससे हमें कंपनी की असली लिक्विडिटी पोजीशन का पता चल जाता है. अब सेकेंडली हमें ये भी मालूम चल जाता है कि क्या कंपनी के प्रॉफिट्स उसके रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन के थ्रू आ रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा है जिसके कारण कंपनी प्रॉफिट कमा रही है. ऑल्दो ये इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो पैसा कमा रही है कंपनी वो भी प्रॉफिट्स हैं बट ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स नहीं होते हैं. सो कंपनी के कोर बिजनेस से ये पैसा नहीं आ रहा है तो हमें ये पता करने की कोशिश करना जरूरी है कि सेल्स रेवेन्यू के कारण ज्यादा प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा है अगर नहीं आ रहा है तो. सो ये चीज भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चल जाती है. सो जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने की सोचते हैं वो कैश बुक जरूर देखते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर उनको हेल्दी दिखेगा तो वो कंपनी में पैसा लगाने को तैयार हो जाते हैं. और इसी तरह अगर कंपनी को कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है और वो कंपनी बैंक्स के पास जाती है कि भाई हमें लोन चाहिए आप लोन दे दीजिए तो बैंक्स भी आसानी से लोन देने को तैयार हो जाते हैं अगर आपकी कैश बुक स्ट्रांग है तो, उनको ऑपरेटिंग कैश फ्लो बहुत अच्छे दिख रहे हो तो. बैंक्स ये मानती है कि कंपनी लंबे समय तक बिजनेस को इफेक्टिवली रन कर पाएगी और अगर ऐसा नहीं दिखता ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश बहुत कम आ रहा है नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के थ्रू ज़्यादा कैश आ रहा है तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि कंपनी लोन ले लेके बिजनेस कर रही है और ज़्यादा लंबे समय तक तो वो ऐसा काम नहीं कर पाएगी. तो ये हो गई कैश फ्लो की इम्पोर्टेंस. और एक और पॉइंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये भी पता चल जाता है कि कंपनी क्या अपने कैश का एफिशिएंट यूज कर पा रही है या नहीं. अगर कंपनी के पास बहुत सारा एक्स्ट्रा कैश अवेलेबल है तो क्या कंपनी उसका इस्तेमाल प्रॉपर एक्सपेंशन के लिए या प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स के लिए या रीपेमेंट ऑफ डेट्स जैसी चीज़ों के लिए कर रही है या नहीं ये भी हमें पता चल जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के. P&L अकाउंट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती है और इसीलिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टडी करने की ज़रूरत पड़ती है. सो किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उनकी कैश फ्लो सिचुएशन को ज़रूर स्टडी कर लेंगे तो उसका फायदा आपको मिलेगा. तो ये सारे हो गए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूरी है. तो अब हम क्विकली इसको रिकैप कर लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या क्या दिखाता है. सो हमने तीन कॉलम बना के रखे हैं. पहला है कैश इनफ्लोज का जो कंपनी के अंदर कैश आ रहा है, एक कैश आउटफ्लो का और एक किस टाइप का कैश फ्लो है. सो पहला कैश फ्लो टाइप हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इसके अंदर कंपनी के अंदर जो कैश आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जैसा हमने पहले देखा तो गुड्स और सर्विसेज जो भी कंपनी का मेन बिजनेस है उससे उसको जो सेल्स आती है वो कैश जो रिसीव होता है वो इस पर्टिकुलर हेड के अंदर आता है. इसके अलावा कुछ अगर डेटर्स से कैश आ रहा है, डेटर्स मतलब हमने किसी कस्टमर्स को उधार पे सामान बेच के रखा हुआ है उनसे अगर कुछ पैसा आ रहा है वो भी इसके अंदर आता है. इसके अलावा हमने अगर कुछ रॉ मटेरियल किसी सप्लायर से परचेज कर रखा है और उसको अगर रिटर्न किया हो तो वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर ही आता है. अब कैश आउटफ्लो देख लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या होता है, ये भी हमने अभी चेक किया था. सो रॉ मटेरियल जैसी चीज परचेस करने के लिए सैलरीज और अलग अलग एक्सपेंसेस पे करने के लिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं. फिर कुछ सामान हमने रॉ मटेरियल परचेस किया होगा क्रेडिट पर तो उनको अगर हम कोई रीपेमेंट कर रहे हैं तो वो इस कैश फ्लो आउटफ्लो के अंदर आएगा. अगर हम कुछ रिफंड्स कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को जिन्होंने हमसे सामान पहले खरीदा होगा तो वो सारे रिफंड्स भी कैश आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएंगे. अब देख लेते हैं कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. तो कैश कौन कौन सा अंदर आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से. अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आपके पास जो आपने कर रखे हैं कंपनी में, बॉन्ड्स ले रखे हैं, डिबेंचर्स ले रखे हैं और जब इनकी मैच्योरिटी हो जाती है तो कंपनी को जब पैसा मिलता है इन बॉन्ड्स के ऊपर या इन डिबेंचर्स के रिडेम्पशन के समय वो पैसा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है. इसके अलावा कुछ कंपनी अगर फिक्स एसेट सेल कर रही है और उसके कारण कैश आ रहा है कंपनी के अंदर तो वो भी कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा. और इसी तरह से कैश आउटफ्लो कब होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से. तो अगर कंपनी कुछ नए इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, कुछ नए बॉन्ड्स या डिबेंचर्स परचेस कर रही है या कैश पे कर रही है फिक्स एसेट्स बाय करने के लिए तो इस टाइप की चीज़ों के लिए जो
पैसा खर्च कर रही है कंपनी, वो कैश आउटफ्लो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। और थर्ड हमारा था कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके अंदर आता है अगर कंपनी कुछ नई बोरोइंग्स ले रही है, मतलब कंपनी या तो कुछ फिक्स डिपॉजिट्स इशू कर रही है, या डिबेंचर्स इशू कर रही है, या बॉन्ड्स इशू करके पैसा रेज कर रही है मार्केट से, या बैंक से डायरेक्ट लोन ले रही है, या कुछ शेयर इशू करके पैसा जुटा रही है, वो सारे पैसा जो कंपनी के अंदर आता है वो आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के हेड के अंदर। इसी तरह कंपनी से कैश बाहर कब जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर, सो कुछ शेयर बायबैक कर लिए अगर कंपनी ने, जो पहले से इशू करके रखे शेयर्स उनको बायबैक करना चाहेगी कंपनी अगर कभी, सो उसके लिए जो पैसे का पेमेंट होगा वो इस हेड के अंदर आएगा। इसके अलावा कैश पेड एज रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन्स भी, बैंक लोन्स का रीपेमेंट अगर कर रही है कंपनी तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर ही आएगा। सो ये एक समरी थी किस टाइप के कैश फ्लोज हैं और उसके अंदर क्या क्या टाइप के कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि मेथड्स क्या होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को बनाने की। सो कैश फ्लो बनाने के लिए दो मेथड्स का इस्तेमाल होता है, एक होती है डायरेक्ट मेथड और एक होती है इनडायरेक्ट मेथड। तो जो डायरेक्ट मेथड होती है उसमें सिर्फ कंपनी में आई हुई ग्रॉस कैश रिसीट्स को शामिल किया जाता है और जितने भी कैश पेमेंट्स आ गए हैं कंपनी से बाहर उनको शामिल किया जाता है। तो इस मेथड में सिंपली कैश कितना आया उसको रिकॉर्ड कर लिया अलग अलग हेड्स के अंदर, और कितना कैश कंपनी से बाहर गया अलग अलग हेड्स के अंदर उनको रिकॉर्ड कर लिया। ये एक तरीका होता है जिसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। दूसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट मेथड जो कि ज्यादा यूज होता है। इस मेथड में ये होता है कि कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं उस नेट प्रॉफिट में से कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं जो कि नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब नॉन कैश ट्रांजैक्शंस का मतलब ये हो गया कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें एक्चुअली कैश का पेमेंट या एक्चुअली कैश की रिसीट्स नहीं हुई है। सो डेप्रिसिएशन एक एग्जाम्पल हो गया, हम डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तरह से दिखाते हैं बट ये एक्चुअल एक्सपेंस होता नहीं है। इसी तरह अगर कोई आपने प्रोविजन किया है कुछ बेड डेट्स के लिए, कुछ डाउटफुल डेट्स हैं आपके, तो जो प्रोविजन किया जाता है वो भी एक्चुअली आपका कैश कहीं बाहर नहीं जा रहा है कंपनी से, आप एक अमाउंट प्रोवाइड कर रहे हैं कुछ होने वाले बेड डेट्स के लिए। इसी तरह गुडविल रिटर्न ऑफ या अगर कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इन टाइप की चीज़ों को नेट प्रॉफिट्स में से एडजस्ट कर दिया जाता है ताकि हमें असली कैश के बारे में जानकारी मिल जाए। सो इन शॉर्ट ऐसे एडजस्टमेंट किए जाते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट में जिससे असली कैश फ्लो का पता चल जाए। सो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दो मेथड्स होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की। तो ज़्यादातर जैसे मैंने बताया आपको कि इनडायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाने के लिए क्योंकि इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिल पाती है कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में। अब देख लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखता कैसे है, और पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड में जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है वो कैसा दिखता है। सो ये है डायरेक्ट मेथड के थ्रू बना हुआ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उन्होंने क्या किया है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले आ गया कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स। कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर का मतलब हो गया जो कंपनी ने सेल्स की है। देन कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज, सप्लायर्स और एम्प्लॉयज को जो कैश पे किया जाता है, मतलब जो भी पेमेंट किया जाता है वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। तो जो नेट कैश जनरेट हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो 27,000 हुआ। अब इसके बाद कंपनी ने कुछ एडजस्टमेंट्स किए हुए हैं, हालांकि ये आपको अभी समझने की जरूरत नहीं है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए, जिसमें कि कुछ कंपनी को अगर डिविडेंड्स मिलते हैं, इंटरेस्ट मिलते हैं, तो उनको शामिल कर लिया जाता है। बट हम अभी जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी यही समझ रहे हैं कि कंपनी ने टोटल सेल्स की 83,000 की और टोटल एक्सपेंसेस किया 56,000 का, तो कंपनी का नेट कैश फ्लो जनरेट हुआ 27,000। सो ये हो गया आपका नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा भी होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सेकेंड हमने देखा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे हैं कंपनी ने जिसके लिए पैसा पेमेंट हुआ 2,500, कुछ रिप्लेसमेंट किए हैं इक्विपमेंट्स के लिए जिसके लिए 7,000 रुपये कंपनी ने पे किया है। फिर कुछ पुराना इक्विपमेंट्स था जिसको बेचा है और उसके कारण से कंपनी को 500 रुपये आया है तो उसको प्लस कर दिया। बट नेट नेट अगर देखें तो कंपनी ने यहाँ खर्चे ही किए हैं, तो टोटल 9,000 नेगेटिव साइड में आपका कैश आउटफ्लो रहा।
ऊपर हमें कैश इनफ्लो आया था 27,000 का, क्योंकि ये पॉजिटिव था, नीचे ये हो गया नेगेटिव यहाँ पर। सो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया आपका 9,000। अब देख लेते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो यहाँ पे क्या क्या आया है। कुछ नया कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है, कुछ नया कैपिटल अंदर आया है कंपनी में 3,400, तो उसको ऐड किया है। कंपनी ने एक नया लोन लिया है 16,000 रुपीज़ उस लोन का आया है, और एक किसी पुराने लोन का रीपेमेंट किया है कंपनी ने 5,400। सो टोटल जो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो गया वो 14,000 हो गया। तो अब यहाँ आपको एक्चुअल पता चलता है कि कैश कितना आ रहा है और जा रहा है। यहाँ पे कंपनी ने एक नया लोन ले लिया है 16,000 का, कितनी जगह कैश इनफ्लो हुआ है तो ये 27,000 यहाँ इनने एडजस्टमेंट करके ये अमाउंट लिया है। सो 24,800 प्लस मतलब कैश इनफ्लो हुआ है, 14,000 प्लस 14,000 में कैश इनफ्लो हुआ, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसमें से ये अमाउंट माइनस कर देंगे 9,000 का, तो क्या बचेगा आपको, आपको बचेगा 29,800। ये क्या है, नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश जो इस पर्टिकुलर साल के लिए है, और इसमें हम ऐड कर देंगे जो भी कैश हमारा बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में था। तो 29,800 प्लस 2,430, तो आपका टोटल कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड हो गया 32,230, और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले साल के लिए एज बिगिनिंग कैश। सो ऐसे ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, इसमें कुछ नहीं किया है, सिंपली जितना कैश अंदर आया है कितना कैश बाहर गया है उसका रिकॉर्ड कर दिया अलग अलग हेड्स के अंदर। अब देख लेते हैं इनडायरेक्ट मेथड से कैसे कैश फ्लो बनता है। जैसा हमने बताया था आपको, इसमें क्या करते हैं वो एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी का जो, पहले उसको ले लेते हैं, तो ये 4,89,000 ऑपरेटिंग इनकम आती है, इसको एबिट कहते हैं, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो 4,89,000 रुपीज अंदर आए हैं कंपनी की एज ऑपरेटिंग इनकम। अब इसमें उन्होंने ऐड बैक कर दिया है डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस को। क्यों उसको ऐड बैक कर दिया, क्योंकि ये एक्चुअल एक्सपेंस तो होता नहीं है, इसमें कैश तो बाहर गया नहीं है कंपनी से, तो इसको वापस ऐड कर देंगे हम ये जानने के लिए कि एक्चुअल कैश कितना कंपनी से बाहर गया या अंदर आया, हमारा यही उद्देश्य है ना जानने का, तो हम इसको ऐड बैक कर देते हैं। इसी तरह लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, अब अगर कोई इक्विपमेंट बेचा है कंपनी ने और उस पर कुछ आपको लॉस हुआ है, तो वो एक्चुअल लॉस तो हुआ नहीं है, सेल ऑफ इक्विपमेंट का पैसा तो आपको यहाँ मिल जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो आपने ये कुछ इक्विपमेंट 89,000 के बेचे हैं, उसमें आपको लॉस हुआ है 7,300 का। सो ये वापस हमें ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्चुअल खर्चा नहीं है। इसी तरह गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, तो वो बोल रहे हैं कि भाई हमने कुछ लैंड बेची है, अब ये यहाँ पे आप देखिए इन्होंने लैंड बेची है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, जिनको उन्होंने शो किया है 2,47,000 की, इस पे इनको प्रॉफिट हो गया था 51,000 का। तो इन्होंने क्या किया था, इस प्रॉफिट को यहाँ पे इसमें इंक्लूड करवा दिया था शुरू में, तो एक्चुअली प्रॉफिट हुआ पर वो प्रॉफिट कैश के रूप में अलग से तो आया नहीं है, सो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे माइनस कर दिया गया है। हमने पूरी वैल्यू जो लैंड को सेल किया उसकी पूरी वैल्यू यहाँ पे ले ली है, तो वो ये प्रॉफिट अलग से दिखाने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल्स, अगर आपके जो अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं मतलब आपके जो डेटर्स हैं, डेटर्स कौन होते हैं जिनसे आपको पैसा लेना होता है, अगर वो बढ़ जाते हैं तो उसका मतलब क्या, आपने एक्स्ट्रा कुछ सेल्स कर दी हैं। हमने भी देखा था अक्रूवल बेसिस पे अगर अकाउंटिंग करते हैं तो इवन क्रेडिट पे जब सेल हो जाती है तो भी हम उसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर लेते हैं, तो वो इस प्रॉफिट में शामिल हो गया था, बट वो एक्चुअल कैश तो हमें आया नहीं है, तो वो जो भी इंक्रीज हुआ है अकाउंट्स रिसीवेबल में उसको हम वापस यहाँ पे माइनस कर देंगे, ताकि हमें कैश की एक्चुअल पोजिशन पता चल जाए। सो इसी तरह के जो सारे एडजस्टमेंट्स होते होते करते करते हम नेट कैश फ्लो पे आ गए, जो आया 2,69,806। ये हुआ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो। अब देख लेते हैं फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इन्होंने क्या किया है। सो जैसा हमने देखा, इन्होंने एक इक्विपमेंट सेल किया है, कोई मशीनरी होगी, फिर एक लैंड सेल किया है और कुछ नया इक्विपमेंट परचेस किया है, तो ये कैश आउटफ्लो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, और वो दो इनफ्लो हो गए, तो जो नेट इनफ्लो हुआ है वो हुआ है 1,36,000 का फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देख लेते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो कंपनी ने इस साल पेमेंट किया है डिविडेंड का, तो 90,000 डिविडेंड पे किया, ये कैश गया है बाहर से, बाहर गया है, सो इसको हमने माइनस कर दिया है यहाँ, इसको कैश आउटफ्लो की तरह दिखाया है। पेमेंट्स ऑफ बॉन्ड्स पेबल, अगर बॉन्ड्स कुछ मच्योर हो गए जो कंपनी ने पहले इशू करके रखे थे, अब उनको रीपे करना पड़ेगा, उसके ऊपर पैसा 2,00,000 रुपये उन्होंने रीपे कर दिए हैं।
टोटल मिला के कंपनी से इस बार 2,90,000 रुपए का पेमेंट हुआ है। तो कंपनी ने कमाया कितना, 2,69,806 ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, उसमें से ज्यादा पैसा तो उन्होंने यहाँ यूज कर लिया है। ऐसे आप समझते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को कि असली में कैश कहाँ कहाँ कैसे कैसे मूव कर रहा है, कैसे कैश का कैसे इस्तेमाल हो रहा है कंपनी के अंदर। सो अब हम इसको नेट इफेक्ट देखें तो 1,15,806 दिखता है। कैसे, 269,806 प्लस 136 माइनस 290 करेंगे तो 1,15,806, और फिर बिगनिंग में जो भी कैश बैलेंस था उसको यहाँ ले लेंगे तो 3,19,000 इनका कैश बिगनिंग में होगा कंपनी का। तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो एट द एंड ऑफ द ईयर कैश फ्लो हो गया 4,35,536 का। बट इसमें आपको समझ में आया होगा कि ज़रूरी क्यों है कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझना, क्योंकि हमको ये सारे एडजस्टमेंट्स पता चलते हैं और फिर वो पैसे का यूज़ कैसे किया, जो कंपनी ने ये पैसा कमाया है एक्चुअली इसका कंपनी यूज़ कैसे कर रही है वो भी हमें देखना है होता है, इसलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को स्टडी करते हैं। सो आई होप आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बेसिक जानकारी मिल गई होगी। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं, जो कि आप अगर जानना चाहें तो हम आगे और भी ऐसे वीडियोस बनाएंगे जहां इसके एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करेंगे, बट ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इससे आपको कम से कम बेसिक लेवल पे कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझने में आसानी होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, आई विल ट्राई एंड आंसर योर क्वेरीज। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अगर लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।